चौधरी की मौत सुबह 4 बजे हुई थी। 7 बजे तक चौधराइन ने रोद होकर होश संभाले और सबसे पहले मुल्ला खैरुद्दीन को बुलाया और नौकर को सख्त तागीद दी कि कोई जिक्र न करे। नौकर जब मुल्ला को आंगन में छोड़कर चला गया तो चौधराइन मुल्ला को ऊपर ख्वाबगाह में ले गई, जहां चौधरी की लाश बिस्तर से उतार कर जमीन पर बिछा दी गई थी। 2 सफ़ेद चादरों के बीच लेटा एक जर्दी माइल सफ़ेद चेहरा, सफ़ेद भौंहें, दाढ़ी और लंबे सफ़ेद बाल। चौधरी का चेहरा बड़ा नूरानी लग रहा था। मुल्ला ने देखते ही इन्ने लाहे वैना लेहे रजेऊन पड़ा, कुछ रस्मी से जुमले कहे। अभी ठीक से बैठा भी ना था कि चौधराइन अलमारी से वसीयतनामा निकाल लाई, मुल्ला को दिखाया और पढ़ाया भी। चौधरी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन के बजाय चिता पर रखकर जलाया जाए और उनकी राख को गांव की नदी में बहा दिया जाए जो उनकी जमीन सींचती है। मुल्ला पढ़कर चुप रहा। चौधरी ने दीन मजहब के लिए बड़े काम किए थे गांव में, हिंदू मुसलमान को एक सा दान देते थे, गांव में कच्ची मस्जिद पक्की करवा दी थी, और तो और हिंदुओं के शमशान की इमारत भी पक्की करवाई थी। अब कई वर्षों से बीमार पड़े थे, लेकिन इस बीमारी के दौरान भी हर रमज़ान में गरीब गुरबा की अफगरी का इंतज़ाम मस्जिद में उन्हीं की तरफ से हुआ करता था। इलाके के मुसलमान बड़े भक्त थे उनके, बड़ा अकीदा था उन पर। और अब वसीयत पढ़कर बड़ी हैरत हुई मुल्ला को, कहीं झमेला खड़ा ना हो जाए। आजकल वैसे ही मुल्क की फिजा खराब हो रही थी, हिंदू कुछ ज़्यादा ही हिंदू हो गए थे और मुसलमान कुछ ज़्यादा मुसलमान। चौधराइन ने कहा, मैं कोई पाठ पूजा नहीं करवाना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि शमशान में उन्हें जलाने का इंतज़ाम कर दीजिए। मैं रामचंद्र पंडित को भी बता सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया कि बात कहीं बिगड़ ना जाए। बात बताने से ही बिगड़ गई जब मुल्ला खैरुद्दीन ने मसलेहतन पंडित रामचंद्र को बुलाकर समझाया, तुम चौधरी को अपने शमशान में जलाने की इजाज़त ना देना, वरना हो सकता है इलाके के मुसलमान बवाल खड़ा कर दें। आखिर चौधरी आम आदमी तो था नहीं, बहुत से लोग बहुत तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। पंडित रामचंद्र ने भी यकीन दिलाया कि वो किसी तरह की शरअंगेजी अपने इलाके में नहीं चाहते। इससे पहले बात फैले वो भी अपनी तरफ के मखसूस लोगों को समझा देंगे। बात जो सुलग गई थी धीरे धीरे आग पकड़ने लगी। सवाल चौधरी और चौधराइन का नहीं है, सवाल अकीदों का है। सारी कौम, सारी कम्युनिटी और मजहब का है। चौधराइन की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने शौहर को दफन करने की बजाय जलाने पर तैयार हो गई? वो क्या इस्लाम के आईन नहीं जानती? कुछ लोगों ने चौधराइन से मिलने की भी जिद की। चौधराइन ने बड़े धीरज से कहा, भाइयों, ऐसी उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, मिट्टी ही तो है, अब जला दो या दफन कर दो।
जलाने से उनकी रूह को तस्कीन मिले तो आपको एतराज़ हो सकता है? एक साहब को ज़्यादा तैश में आ गए, बोले, उन्हें जलाकर क्या आपको तस्कीन होगी? जी हाँ। चौधराइन का जवाब बहुत मुख्तसर था, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने से ही मुझे तस्कीन होगी। दिन चढ़ते चढ़ते चौधराइन की बेचैनी बढ़ने लगी। जिस बात को वो सुलह सफाई से निपटाना चाहती थी वो तूल पकड़ने लगी। चौधरी साहब की इस ख्वाहिश के पीछे कोई पेचीदा प्लॉट, कहानी या रास की बात नहीं थी, ना ही कोई ऐसा फलसफा था जो किसी दीन मजहब या अकीदे से जुड़ता हो। एक सीधी सादी इंसानी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद मेरा कोई नामो निशान ना रहे, जब हूँ तो हूँ, जब नहीं हूँ तो नहीं हूँ। बरसों पहले ये बात बीवी से हुई थी, पर जीते जी कहाँ कोई ऐसी तफसील में झांक कर देखता है। और उस ख्वाहिश को पूरा करना चौधराइन की मोहब्बत और भरोसे का सबूत था। ये क्या कि आदमी आंख से ओझल हुआ और आप तमाम ओहदों पैमान भूल गए। चौधराइन ने एक बार बीरू को भेजकर रामचंद्र पंडित को बुलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पंडित मिला ही नहीं। उसके चौकीदार ने कहा, देखो भाई, हम जलाने से पहले मंत्र पढ़ के चौधरी को तिलक जरूर लगाएंगे। अरे भाई, जो मर चुका उसका धर्म अब कैसे बदलेगा? तुम ज्यादा बहस तो करो नहीं, ये हो नहीं सकता कि गीता के श्लोक पढ़े बगैर हम किसी को मुखाग्नि दें। ऐसा ना करें तो आत्मा हम सबको सताएगी, तुम्हें भी हमें भी। चौधरी साहब के हम पर बहुत एहसान है, हम उनकी आत्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बीरू लौट गया। बीरू जब पंडित के घर से निकल रहा था तो पन्ना ने देख लिया। पन्ना ने जाकर मस्जिद में खबर कर दी। आग जो घुट घुट कर ठंडी होने लगी थी फिर से भड़क उठी। चार पांच मुअत्तबीर मुसलमानों ने तो अपना कतई फैसला भी सुना दिया। उन पर चौधरी के बहुत एहसान थे, वो उनकी रूह को भटकने नहीं देंगे। मस्जिद के पिछवाड़े वाले कब्रिस्तान में कब्र खोदने का हुक्म भी दे दिया। शाम होते होते कुछ लोग फिर हवेली पर आ धमके। उन्होंने फैसला कर लिया था कि चौधराइन को डरा धमका कर चौधरी का वसीयत नामा उससे हासिल कर लिया जाए और जला दिया जाए। फिर वसीयत नामा ही नहीं रहेगा तो बुढ़िया क्या कर लेगी? चौधराइन ने शायद ये बात सूंध ली थी। वसीयत नामा तो उसने कहीं छुपा दिया था, और जब लोगों ने डराने धमकाने की कोशिश की तो उसने कह दिया, मुल्ला खैरुद्दीन से पूछ लो, उसने वसीयत देखी है और पूरी पढ़ी है, और अगर वो इनकार कर दे तो? कुरान शरीफ पर हाथ रख के इनकार कर दे तो दिखा दूंगी, वरना? वरना क्या? वरना कचहरी में देखना। बात कचहरी तक जा सकती है, ये भी वाज़े हो गया। हो सकता है चौधराइन शहर से अपने वकील को और पुलिस को बुला ले। पुलिस को बुलाकर उनकी हाजिरी में अपने इरादे पर अमल कर ले, और क्या पता वो अब तक उन्हें बुला भी चुकी हो। वरना शौहर की लाश बर्फ की सिलों पर रख कर कोई कैसे इतनी खुद एतमादी से बात कर सकता है? रात के वक्त खबरें अफवाहों की रफ्तार से उड़ती हैं। किसी ने कहा, घुड़सवार ने सर और मुंह साफे से ढाप रखा था और वो चौधरी की हवेली से ही आ रहा था। एक ने तो उसे चौधरी के अस्तबल से निकलते हुए भी देखा था। खादू का कहना था
कि उसने हवेली के पीछे अहाते में सिर्फ लकड़ियां काटने की आवाज़ ही नहीं सुनी, बल्कि पेड़ गिरते हुए भी देखा है। चौधराइन यकीनन पिछले अहाते में चिता लगवाने का इंतज़ाम कर रही है। कल्लू का खून खौल उठा। बुज़दिलों, आज रात एक मुसलमान को चिता पर जलाया जाएगा और तुम सब यहाँ बैठकर आग की लपटें देखोगे। कल्लू अपने अड्डे से बाहर निकला। खून खराबा उसका पेशा है तो क्या हुआ, ईमान भी तो कोई चीज़ है। ईमान से अजीज तो माँ भी नहीं होती यारो। चार पांच साथियों को लेकर कल्लू पिछली दीवार से हवेली पर चढ़ गया। बुढ़िया अकेली बैठी थी लाश के पास। चौंकने से पहले ही कल्लू की कुल्हाड़ी सर से गुजर गई। चौधरी की लाश को उठवाया और मस्जिद के पिछवाड़े ले गए जहां उसकी कब्र तैयार थी। जाते जाते रमजे ने पूछा, सुबह चौधराइन की लाश मिलेगी तो क्या होगा, बुढ़िया मर गई क्या? सर तो फट गया था, सुबह तक क्या बचेगी? कल्लू रुका और देखा चौधराइन की ख्वाबगाह की तरफ। पन्ना कल्लू के जिगरे की बात समझ गया। तू चल उस्ताद, तेरा जिगरा क्या सोच रहा है मैं सब जानता हूँ, सब इंतज़ाम हो जाएगा। कल्लू निकल गया कब्रिस्तान की तरफ। रात जब चौधरी की ख्वाबगाह से आसमान छूती लपटें निकल रही थी तो सारा कस्बा धुएं से भरा हुआ था। जिंदा जला दिए गए थे और मुर्दे दफन हो चुके थे।